वो चिलचिलाती धूप में बरगद का छांव याद आता है। जब शहर में दम घुटता है तब मुझे मेरा गांव याद आता है। और ऐसे ही दो गांव हैं, राजस्थान के उदयपुर से नजदीक कालोड़ा और पीपड़। इन दोनों गांव की शांति ही बहुत कुछ कह जाती है। किसी को भी अपने आप से मिला देने की ताकत है इन गांवों में। कालोड़ा और पीपड़ के बीच का अंतर यूं तो बहुत कम है, पर इन दोनों के बीच बहुत सी यादें छुपी हैं। लक्ष्मी लाल जी सांखला का जन्म कालोड़ा गांव में हुआ। माटी के घर से लेकर कागज की कश्ती बनाने वाले बचपन का आनंद उन्होंने यहीं उठाया है। मुस्कान और मदद, ये दो ऐसे इत्र हैं जिन्हें जितना अधिक आप दूसरों पर छिड़कोगे उतनी ही सुगंध आप स्वयं पाओगे। और ऐसे ही हैं हमारे बापू। दूसरों की जिंदगी प्रकाशित करने के हेतु चल पड़े कालोड़ा से पीपड़ की ओर, बिना कुछ सोचे समझे या बिना किसी स्वार्थ के। कालोड़ा से पिंपड़ जाते वक्त पीछे छोड़ चले थे पुरानी यादें, क्योंकि मन में निश्चय कर लिया था कि किसी के लिए यादें सवारनी है। उन्होंने शुरू किया अपना सुखी परिवार तीन बड़े बुजुर्गों के साथ। किसी ने खूब कहा है, कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना कोई आवश्यकता नहीं रखता, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। और ऐसी ही एक शुभ शुरुआत की बापू ने पीपड़ में। यहां के घर की एक एक ईंटे भी इस बात की गवाह हैं कि दूसरों की मदद करते हुए यदि दिल में खुशी हो तो वही सच्ची प्रभु सेवा है। और बस इस तरह बापू वो तीन बड़े बुजुर्गों की सेवा करते गए और उनके आशीर्वाद भी प्राप्त करते गए। पिंपड़ में आने के कुछ दिनों में ही उनके विवाह भी हो गए कंकुबाई से, जिन्हें हम सब भाभी के नाम से जानते हैं। ये विवाह संपन्न हुए इस पुराने घर में ही। ये घर सिर्फ एक घर नहीं पर यादों का गुलदस्ता है। ये घर बापू के जीवन में आए बहुत से उतार चढ़ाव का साक्षी है। बापू, भाभी, पांच बेटे और दो बेटियों का सुखी परिवार ये घर में ही पला बड़ा है। बापू, भाभी, पांच बेटे और दो बेटियों का सुखी परिवार ये घर की यादों को आज भी संजोता है। भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है, पर जरूरी नहीं कि वो रास्ता सही हो। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अपने आप को खूब पहचानने वाले बापू का नित्य क्रम भी कुछ ऐसा है।
खेत और पेड़ों के बीच काम कर कर उन्हें शांति प्राप्त होती है। माटी की वो सच्चे अर्थ में सेवा करते हैं और कंकुबाई भी इन सब कामों में उनका पूरा हाथ बटाती है। यदि जज्बा रहा तो मुश्किलों का भी हल निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहां से भी जल निकलेगा। बंजर जमीन से भी पानी बहाने की ताकत रखने वाले बापू खेतों के साथ साथ पैसे ब्याज पर देने का काम भी करते हैं। पर मन में भावना तो हमेशा मदद की ही रखते हैं। किसी ने खूब कहा है, परेशानी में कोई सलाह मांगे तो साथ में अपना साथ भी दे दो, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है पर साथ नहीं। बापू भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। बापू हमेशा कहते हैं, बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, लौटने पर भी उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय कर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। लक्ष्य को ध्यान में रखो, मंजिल अपने आप आपको लक्ष्य तक पहुंचा देगी, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। बस वैसे ही परिवर्तन के साथ साथ बापू, भाभी और पूरा परिवार आ पहुंचा इस नए घर में, जो कि पुराने घर के बिल्कुल बगल में ही है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समाज में नहीं मिल जाते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। बस वैसे ही है हमारे बापू और भाभी। पर हां, साथ साथ हमारे बापू को पढ़ने का बहुत शौक है, उसमें भी अधिकतम धार्मिक किताबें। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। बापू और भाभी जिंदगी को खूब समझे हैं और इसलिए आज भी जिंदगी को जी भर कर जीते हैं। जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। ऐ मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। संस्कार से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। बस यही मूल्यों को ध्यान में रखने वाले बापू और भाभी, ऐसे ही संस्कार उन्होंने अपने परिवारजन को भी दिए हैं। गांव की मिट्टी से बेहद प्यार रखने वाले बापू और भाभी को गांव के लोग खूब जानते हैं और मानते भी हैं, क्योंकि बापू और भाभी हमेशा सबको समान मान, परिवार जैसा प्यार ही देते हैं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना
बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है, वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। बापू और भाभी ऐसे ही एक परिवर्तन की मूर्ति है, जो आज यहां अपने पुण्य और अच्छे कर्म के बल पर हम सबके बीच सोने की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। मेरी सफलता को देखकर हैरान है बहुत लोग, पर किसी ने मेरे पांव के छाले नहीं देखे। पांव में भले ही छाले हो, पर फिर भी मुंह पर मुस्कान रखने वाले बापू और भाभी को हम सब मिल तहे दिल से सलाम करते हैं। बापू और भाभी।